हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट थ्योरी, अवर फर्स्ट चैप्टर अवर एनसीईआरटी बुक। ओके बेटा, यस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक which is intervals, like interval। अब बेटा देखो, interval means number line पे, ये हमारे पास minus infinite to plus infinite, ये number line हमारे पास है, real number line। okay, अब इस number line पर हम लोग नंबर्स को मेंशन करते हैं, पॉइंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट किस किस टाइप से कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट इज ओपन इंटरवल, देखो ये फर्स्ट ओपन इंटरवल क्या है। ओपन इंटरवल का मतलब हमारे पास एनी नंबर एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी एनी टू नंबर्स हैं नंबर लाइन में, और उनके बिटवीन हम लोग जो नंबर सेलेक्ट करते हैं, इट मीन दैट इज ओपन इंटरवल। इट मीन्स वी सेलेक्ट ए नंबर इन बिटवीन, सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, देन वी सेलेक्ट ए नंबर इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां हमारे को ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए और बी, एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, एंड वी कैन रिप्रेजेंट ओपन इंटरवेल लाइक दिस। अदरवाइज We can represent open interval in small bracket a comma b। तो जहां कहीं भी हमारे को small bracket mention होगा ऐसे, it means किसी भी condition में अगर हमारे पास small bracket में numbers given है on a number line, then it means it is open interval। और ना ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे इट इज ए एंड इट इज बी, यहां हम लोग होलो सर्कल ऐसे ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इन सर्कल्स के बीच में दीज आर बिलोंग्स टू इन बिटवीन ए एंड बी, दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवेल। सेम एज अवर सेकेंड कंडीशन इज क्लोज इंटरवेल, इन क्लोज इंटरवेल वी सेलेक्ट ए नंबर इन बिटवीन ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन, यस इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवेल। वी कैन रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवेल लाइक दिस इन बिग ब्रैकेट ए एंड बी, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, सपोज दैट। तो हम लोग जो है क्लोज इंटरवेल के लिए, अब यहां हमारे पास ए एंड बी आर इंक्लूड, ओके, सो इफ वी रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल एट नंबर लाइन, देन वी ड्रॉ ए डार्क सर्कल एट ए एंड बी, एंड वी ड्रॉ डार्क लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। वी कैन से फॉर ओपन इंटरवल
एनी नंबर एक्स इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी को हम लोग इंक्लूड नहीं करना है एक्सेप्ट ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन नंबर हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेंशन 0.3 इन ओपन इंटरवल, तो मतलब क्या हो गया हमारे को? यस बेटा, इट मींस इट इज 0, इट इज 3 एंड इन बिटवीन 0 एंड 3, हमारे को सारे नंबर लेने हैं, सारी वैल्यूज लेनी है बट 0 को इंक्लूड नहीं करना और 3 को इंक्लूड नहीं करना, इन बिटवीन 0 एंड 3 सारे रियल नंबर्स हमारे को सिलेक्ट करनी है, दिस इज ओपन इंटरवल। सेम केस में यस इफ वी वांट टू टेक अ एग्जांपल ऑफ क्लोज इंटरवल लाइक 1, 3, इट मींस अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, एनी नंबर हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इन बिटवीन 1 एंड 3 भी होगा, लाइक दिस इट इज 1, इट इज 3 एंड इन बिटवीन 1 एंड 3। बेटा देखो बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में सेट थ्योरी जो टॉपिक डिस्कस किया ये भी पार्ट सेट थ्योरी का ही है। सेट थ्योरी में हमने सेट बनाया था एक लाइक दैट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नंबर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में मेंशन है, इट मींस सेट ए ओनली 1, 2, 3, 4 और 5 को ही हमारे को सिलेक्ट करना है। लेकिन बेटा अगर मैं इसको जो है इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करता हूं, वी वांट टू रिप्रेजेंट इन इंटरवल्स, देन इफ आई से 1.5 इन ओपन इंटरवल, तो यहां हमारे पास 3/2 भी इसके बिटवीन है, लाई कर रहा है, 5/4 भी लाई करेगा, 7/2 भी लाई करेगा, तो ऐसे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं रियल नंबर्स वो भी क्या होंगे, इसका इसके एलिमेंट्स होंगे, इसके पार्ट होंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं, सेट थ्योरी में सेट में बेटा जो हमारे पास नंबर्स मेंशन है हम लोग केवल उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरवल्स में हमारे पास ऑल नंबर्स सेलेक्ट होंगे इन बिटवीन ए एंड बी, इज दैट क्लियर? बेटा देखो ऐसे ही हमारे पास टू कंडीशंस और बन जाती हैं, ओके? यस बेटा, आवर थर्ड टॉपिक इज ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल का मीन, एज वी नो ओपन इंटरवल मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल मीन्स बिग ब्रैकेट, सो फॉर ओपन क्लोज इंटरवल एक्स इज ग्रेटर देन ए बट एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो यहां हमारे पास क्लोज इंटरवल में बी इंक्लूड है बट ए इंक्लूड नहीं है, इज दैट क्लियर? और वी कैन रिप्रेजेंट ओपन क्लोज इंटरवल लाइक स्मॉल ब्रैकेट एंड हियर बिग ब्रैकेट। कई बार क्या होता है हम लोग जो है कभी क्वेश्चन पेपर में अपने बुक में ऐसा कुछ मेंशन होता है तो हम लोग कहीं सोचते हैं कहीं मिसप्रिंट तो नहीं, इधर स्मॉल ब्रैकेट गिवन है और इधर बिग ब्रैकेट है, अगर दोनों बिग ब्रैकेट होंगे या दोनों स्मॉल ब्रैकेट होने चाहिए, ऐसा नहीं है, इट इज ओपन क्लोज इंटरवल। और बेटा इसको जो है हम लोग नंबर लाइन पे
इट इज ए एंड इट इज बी, ऐसे मेंशन करते हैं। यहां मार्क क्या करना है, डार्क करना है, अदर क्या करना है, बोलो यस ब्लैंक, इधर ब्लैंक कर लेना है। और ये सारे जो नंबर है यहां से और यहां तक, ये सारे इंक्लूड होंगे, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल। एंड फोर्थ वन इज अवर लास्ट क्लोज ओपन इंटरवल, नेम से अपने मुझे पता चल रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड बाय नेम क्लोज ओपन इंटरवल इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। ओके, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। ओके, इट मींस हियर बिग ब्रैकेट एंड हियर वी यूज स्मॉल ब्रैकेट, एंड ऑन अ नंबर लाइन सपोज दैट इट इज ए एंड इट इज बी, देन यहां मार्क करना है डार्क सर्कल करना है, यहां मार्क को ब्लैंक सर्कल करना है, और ये हम लोगों को यूज लेना है। इट इज क्लोज ओपन इंटरवेल, इट इज ओपन क्लोज इंटरवेल। आई मीन टू से हियर ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इंक्लूडेड, एंड इन दिस केस ए इंक्लूडेड एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड। ओके देन, तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी बुक में। वैसे तो हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज बुक में नहीं है, बट फिर भी बुक के एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो इस पैटर्न पे बेस्ड हैं, और वी शुड कैलकुलेट देम, वी शुड सॉल्व देम। ओके देन, कैन वी ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ओके यस बेटा, यू शुड ट्राई। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।